Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. So, hello guys, welcome to Sahil Kanti Vlogs. जैसे कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखके अब तक पता लग ही चुका होगा कि कहाँ आए हैं. दोबारा से लेके आ चुके हैं शनिदेव मोटर्स की एक और अमेजिंग वीडियो, जो कि बजट फ्रेंडली गाड़ियाँ रहेंगी. आज की वीडियो में फुल सेगमेंट आपको दिखाएंगे. आप पीछे देख सकते हो काफ़ी गाड़ियाँ रहेंगी और एक एक गाड़ियों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे. सो आज मिलवा देते हैं आपको, एक बार स्टार्टिंग में मिलवा देते हैं आपको आजाद भाई से, जो कि आपको वीडियो के बारे में, गाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे. वीडियो में फुली डिटेल में बताएंगे, बिना स्किप किए वीडियो को देखना. और एक बार ले लेते हैं भैया से इनकी फॉर्म का जो भी है इंट्रो ले लेते हैं एक बार. तो भैया अपना अपनी फॉर्म के बारे में बेसिक सी नॉलेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को. जैसा कि सभी दर्शकों को, हमारे जितने भी व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं अभी इस टाइम वीडियो को, आपको अपनी लोकेशन मैं बता देता हूँ. दिल्ली में संत नगर बुराड़ी नियर बजाज शोरूम के पास है. बाकी आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आपको वीडियो पे स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर नंबर पर फ़ोन मिला के पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं. आप स्टेप टू स्टेप हमारी टीम आपको गाइड करेगी पूरी. तो जाद भी आज की वीडियो में कैसा सेगमेंट दिखाओगे, कैसी गाड़ियाँ रहेंगी वो एक बार बता दीजिए. आज की वीडियो में हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, आपके जो भी मतलब आपका जो बजट होगा उस बजट में आपको गाड़ी देंगे और बढ़िया बिल्कुल मैकेनिकल, कोई काम खर्चा कुछ नहीं होगा गाड़ी में. बस आपको पेट्रोल डलवाना है या डीजल डलवाना है, बस लेके जानी और चलानी. कहने का मतलब काफ़ी अच्छी टॉप नोट कंडीशन में गाड़ियाँ रहेंगी और आपको क्या करना है, सिर्फ गाड़ी यहाँ से लेके जानी है. कंप्लीट पेपर वर्क के साथ आपको हर मॉडल हर प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा. सो मेन बात ये रहेगी, आप इनसे पहली बात कॉन्टैक्ट कीजिए, इधर फिजिकली आइए तो आपको हर तरह की गाड़ी भाई आपको देखी भेजोगे ना भैया. कस्टमर को कस्टमर फुल सेटिस्फेक्शन के साथ यहाँ से जाएगा. सो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आता हूँ कैमरे के पीछे और करते हैं वीडियो को शुरू. जाद भाई कहाँ से स्टार्टिंग करवा रहे हो आज की वीडियो की? आज जो पहली गाड़ी हमारी होने वाली है टाटा जेस्ट होने वाली है. ठीक है. हाँ जी, 2014 का मॉडल है, प्योर पेट्रोल की गाड़ी है. गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके है, अनटच गाड़ी है, कोई काम खर्चा कुछ नहीं करवाना गाड़ी में. ठीक, गाड़ी बस लेके चलाने वाली गाड़ी है. और भैया पेंट वगैरह जैसे ब्लू कलर है, ओरिजिनल पेंट ही रहेगा ये? हाँ जी, हाँ जी, पूरा ऑल ओरिजिनल पेंट है, बिल्कुल अनटच गाड़ी है, टॉप मॉडल है, कंपनी फिटेड अलॉय मिल जाता है, प्लस म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा आपको अंदर काफी अच्छा, प्लस इंटीरियर भी बहुत ही सुंदर है, लाजवाब. और प्राइसिंग की बात करें, प्राइस की बात करें तो मात्र 2,80,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी. बाकी आप आइए, जो भी होगा आपका पूरा मान सम्मान रखेंगे. ठीक है भैया, इसके बाद कौन सी गाड़ी आ रही है? अगली गाड़ी हमारी टाटा जेस्ट होने वाली है, वो टॉप मॉडल था और ये सेकंड टॉप मॉडल है और काफी अच्छी कंडीशन में रहेगी ये. काफी अच्छी कंडीशन में है पूरी, मतलब आपको लेके चलाने वाली गाड़ी है, बस पेट्रोल डलवाना और चलाना है, मैकेनिकल कोई काम खर्चा कुछ नहीं है गाड़ी में. जी भैया, अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा शानदार इंटीरियर मिल जाता है, प्लस आपको म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा. और प्राइस की बात करें तो मात्र 2,80,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी,
2016 का मॉडल है, लास्ट मंथ की गाड़ी है। ठीक है भैया, और इसके बाद हम डस्टर देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए भैया। डस्टर जो है आपकी 2012 मॉडल है, वो भी लास्ट मंथ की गाड़ी है जी। कंपनी फिटेड आपको अलॉय मिल जाता है, ठीक है। प्लस आपको अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा सुंदर शानदार देखने को मिलेगा, प्लस म्यूजिक सिस्टम भी बहुत ही प्यारा है इसका जी। प्राइस की बात करें तो मात्र 2,60,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। बाकी आप आइए, जो भी होगा आपका पूरा मान सम्मान रखेंगे, ऐसी बात जी। और इनकी मेन बात ये है, देखिए इन्होंने कोई भी नंबर प्लेट पे अपना कोई भी फर्म का नाम और कुछ भी ऐसे नहीं लिखा हुआ, नंबर प्लेट हाइड नहीं की हुई, जिससे आप इनका नंबर से आप पता लगवा सकते हो कि ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है, या पूरी उसकी डिटेल निकल सकती है गाड़ी के बारे में। इसके बाद सर ये कौन सी गाड़ी रहेगी अपनी? ये अगली गाड़ी जो है मारुति सुजुकी की सिलेरियो है जी भैया, 2015 का मॉडल है, पांचवे मंथ की रजिस्ट्रेशन है, काफी डिमांडिंग। हाँ जी, बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है, और सामने वाला अफोर्ड भी कर लेता है मेंटेनेंस के लिए भी, और गाड़ी को मतलब चलाने में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है जी भैया। आपको अंदर का इंटीरियर भी काफी अच्छा मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम भी बहुत ही प्यारा होने वाला है जी। प्लस गाड़ी चलाने में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मिलती है गाड़ी में। प्राइस की बात करें तो मात्र 2,50,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, 2015 का मॉडल, ठीक है। और भैया अगर किसी को लोन और ईएमआई वगैरह करवानी हो, उसका क्या सिस्टम रहेगा आपके यहां? जो भाई दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं उनके लिए लोन हो जाएगा जी, बाकी अदर स्टेट वाले जो भाई देख रहे हैं तो उनका वो अपने बैंक से करवा सकते हैं, हमारे पास आके फुल पेमेंट में गाड़ी ले जाएं, आप अपने बैंक से करवा लेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको कॉल करके फुल डिटेल ले सकते हैं? हाँ हाँ, फ़ोन करके आपको जो भी गाड़ी की जिस भी मतलब चीज़ की आपको डिटेल चाहिए सब कुछ देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है भैया। इसके बाद ये गाड़ी के बारे में बताइए जो कि काफ़ी फैमिली, हाँ पूरी फैमिली गाड़ी है। आपको कुछ नहीं काम खर्चा कुछ नहीं करवाना, गाड़ी पूरी वर्किंग कंडीशन में, आपको ना एसी का कुछ काम करवाना है, ना ही आपको टायर से रिलेटेड कोई काम करवाना है, ना ही म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करवाना है, आपको पूरी वेल परफॉर्मेंस गाड़ी मिलेगी जो कि टॉप होट सेलिंग गाड़ी होती है आज के टाइम। ये तो बहुत ज्यादा मतलब सेलिंग में रहती है हमेशा, इंडिया की फेवरेट गाड़ी है जी भैया, क्योंकि लोग बहुत जल्दी अफोर्ड कर लेते हैं इस गाड़ी जी जी जी। 2015 का मॉडल है, लास्ट मंथ की गाड़ी है। प्राइस की बात करें तो मात्र 2,70,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। बाकी आप आइए, जो भी होगा थोड़ा बहुत आपका पूरा मान सम्मान रखेंगे, ठीक है भैया। इसके बाद एक लाल परी देख रहे हैं, ये तो काफ़ी फेमस गाड़ी है, आप इसको मतलब लेके चलाने वाली गाड़ी है ये भी, तो हमारे इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए। भी है सबकी फेवरेट अपोलो रही है, ठीक और है। इसको तो आप मॉडिफिकेशन करवा के तो फिर तो इसकी बराबरी तो कोई गाड़ी कर ही नहीं सकती जी भैया, शौकी बंदे के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी ये गाड़ी। अच्छी गाड़ी है, 2010 का मॉडल है, प्योर पेट्रोल की गाड़ी है। आपको अंदर का इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है आफ्टर मार्केट, प्लस आपको इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, प्लस आपको एलईडी टच स्क्रीन मिल जाती है। गाड़ी पूरी मतलब कंफर्ट लाइन में, तीन वेरिएंट होता है, कंफर्ट और ट्रेड और ये सब काफ़ी सारे वेरिएंट होते हैं, पर उन सब में ये टॉप मॉडल है और परफॉर्मेंस तो बहुत ही लाजवाब। और भैया ऐसा तो नहीं है कोई पार्ट वगैरह चेंज होगा कोई? नहीं नहीं नहीं, डेंटिंग पेंटिंग हुई होगी इसकी और इंजन का काम हुआ होगा कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी। होम टू ऑफिस की गाड़ियाँ कम चली हुई होती हैं, प्लस इजी बढ़िया मेंटेनेंस वाली गाड़ियाँ होती हैं। आपको बस गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, जिसमें डीजल की जरूरत है उसमें डीजल डलवाना है, बस लेके चलानी है गाड़ी को, ठीक है। प्राइस की बात करें तो मात्र आपको 2,60,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। बाकी आप जिसके ऊपर से भी नेगोशिएशन हो जाएगी, नेगोशिएशन पूरा है, थोड़ा बहुत जितना भी होगा पूरा मान सम्मान रखेंगे आपका, ठीक है भैया। इसके बाद हुंडई की कौन सी गाड़ी रहेगी? हुंडई की हमारी आइटन ग्रैंड होने वाली है, काफी पॉपुलर गाड़ी है, फेमस भी रही है काफी टाइम तक जी। इनका इनकी तो गाड़ियां हुंडई की तो वैसे ही काफी हैवी मानी जाती हैं गाड़ियां यूज के लिए। हाँ, लोग इजीली अफोर्ड कर लेते हैं ना भाई सब, इसलिए थोड़ा काफी फेमस भी है, प्लस फैमिली गाड़ी है, चार पांच लोग आराम से, रिस्पांस इनका काफी अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है जी। 2016 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी की गाड़ी है, प्योर है भैया। हाँ जी, पूरी वेल मेंटेन गाड़ी है। आपको गाड़ी में ना म्यूजिक सिस्टम का कुछ काम करवाना है, ना ही इंटीरियर से रिलेटेड कुछ काम करवाना है,
नहीं, आपको एसी से रिलेटेड कुछ काम करवाना है, गाड़ी में बस पेट्रोल डलवाओ या सीएनजी डलवाओ, आप लेके जाओ बस। फैमिली के साथ प्राइस घूमो की बात फिरो। करें तो मात्र 3,20,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी, बाकी आप आइए, जो भी होगा मान सम्मान रखेंगे आपका। ठीक है भैया, इसके बाद एक और गाड़ी आ गई। अगली गाड़ी हमारी होने वाली है होंडा की ब्रियो, ठीक है, 2012 का मॉडल है, प्योर पेट्रोल की गाड़ी है, पूरी वेल मेंटेन कंडीशन में गाड़ी। ठीक है, आपको इंजन से रिलेटेड भी कोई काम खुच नहीं करवाना, गाड़ी में बस पेट्रोल डलवाना है। प्लस इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी शानदार इंटीरियर होने वाला है, म्यूजिक सिस्टम भी बहुत ही शानदार है इसका। प्लस टायर की कंडीशन की बात करें तो उसमें भी आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना, जी बस भैया आपको खर्च करना है, पेट्रोल डालना है और आपको लेके जानी है गाड़ी। ठीक प्राइस है, की बात करें तो मात्र 2,50,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, बाकी आप आइए, जो भी होगा हमसे जितना भी होगा आपका पूरा मान सम्मान रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और भैया जैसे हाँ कोई भैया, अगर बाहर से देख रहा है, कोई अदर स्टेट से देख रहा है, उनको डिलीवरी का क्या सिस्टम रहेगा अगर वो हमारी अपने घर डिलीवरी तक का चाहते हैं जो गाड़ी? सिस्टम है, अगर आप घर बैठे गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो पहले तो आप गाड़ी को बुक कर लीजिए, जी भैया, सेकंड आपका जो हो प्रोसेस है वो बाकी आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा, ठीक है, जैसा आपको शोटेबल लगेगा वो आपको ऑप्शन बता देंगे, बाकी आप गाड़ी जल्दी से बुक कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेन में बात जो भी यह है होगा। इनकी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हाँ हो हाँ जाती है सब कुछ। ऑल ओवर इंडिया, आप बाई कंटेनर मंगवाना चाहते हैं या फिर बाई ड्राइवर मंगवाना चाहते हैं, जी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी आपको वो आपको फ़ोन पे सारी बातें बता देंगे, कैसे क्या करना है, जो आपको सही लगे ऑप्शन वो आप देख लेना। ठीक है, तो आपको आप दिखाते हैं पीछे इनकी और गाड़ियां लगी हुई हैं सभी, सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब करते हैं अगली गाड़ियों की डिटेल में बातें। तो भैया ये कौन सी गाड़ी रहेगी हम देख रहे हैं जो? जिनको सीखने के पर्पज़ से गाड़ी चाहिए, अभी तक तो आपको जो दिखाया था वो तो फैमिली से रिलेटेड गाड़ियाँ थी, ठीक अगर है भैया, आपको मतलब आपका इतना ही बजट है या फिर तो आप निराश मत होइए, हमारे पास सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। जी अब वो जो थी वो फैमिली पर्पज़ गाड़ियाँ थी, और आप जो है गाड़ी आपके सीखने के पर्पज़ से है। जी भैया, हाँ जी, आप गाड़ी को बस आपको अगर सीखना है तो आप मतलब इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए और ऐसा आपको। नहीं है अगर सीखने के लिए तो कंडीशन काफी डाउन होगी, हाँ जी, कंडीशन काफी अच्छी मिलेगी फिर भी आपको। पूरी वेल परफॉर्मेंस गाड़ी मिलेगी, बस आपको पेट्रोल डलवाना है और गाड़ी में कोई काम खर्चा कुछ नहीं होगा, वो मेरी गारंटी होगी, जो भी होगा वो हम करवा के देंगे। और बताइए, जी भैया, और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो? 2008 का मॉडल है, लास्ट मंथ की गाड़ी है, जी भैया, गाड़ी पूरी वेल मेंटेन कंडीशन में, आपको एसी वर्किंग में मिलेगा, प्लस आपको लाइटें वाइटें सब कुछ वर्किंग में मिलेगी, म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, प्लस इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, प्लस आपको अंदर का जो सीट कवर वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको, जी भैया, गाड़ी पूरी अनटच गाड़ी होगी, आपको कुछ काम खर्चा कुछ नहीं करवाना गाड़ी में। प्राइस की बात करें तो मात्र 85,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, सीखने के पर्पज़ से बहुत बढ़िया गाड़ी है, चाहे आप कुछ भी करिए, कोई काम करिए, आपको पूरा रिफंडेबल अमाउंट है ये, आप इसको 2-3 साल बाद अगर चलाने के बाद कटवा भी दोगे तो आपको 35-40-45 हज़ार रुपये आपके रिफंड आ जाएगी। सो काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग प्राइजेस की गाड़ियाँ रहेंगी, सो जो जिनके आगे फैमिली और फ्रेंड्स को भी सस्ती गाड़ियाँ चाहिए तो आप अब ये वीडियो जल्दी से जल्दी उनके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी गाड़ियों में घूम सके। हाँ तो जी, भैया इसके साथ इसके बाद कौन सी गाड़ी दिखा रहे हो? अगली गाड़ी हमारे मारुति सुजुकी की ए स्टार होने वाली है, जो कि 2010 का मॉडल है, लास्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन है, प्राइस की बात करें तो मात्र आपको 1,60,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, जी भैया, प्योर पेट्रोल की गाड़ी होने वाली है आपकी है, ठीक गाड़ी है। में कोई और काम खर्चा प्राइसिंग कुछ की नहीं, बात करें तो इसकी? मात्र 1,60,000 में आपको गाड़ी दे देगी। ठीक है भैया, और इसके बाद ये कौन सी गाड़ी रहेगी सर? अगली गाड़ी हमारी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट होने वाली है, जी गाड़ी पूरी वेल परफॉर्मेंस गाड़ी है, आपको कोई काम खर्चा कुछ नहीं करवाना, प्राइस की बात करें तो मात्र आपको 1,70,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी पूरी वेल मेंटेन कंडीशन में गाड़ी है, आपको अंदर से भी म्यूजिक सिस्टम से लेके कोई काम खर्चा कुछ नहीं करवाना, न टायर से रिलेटेड कोई काम खर्चा करवाना है, प्राइस की बात करें तो मात्र 1,70,000 में आपको ये प्योर पेट्रोल की गाड़ी मिल जाती है, विद ऑल कंप्लीट पेपर वर्क, हाँ है ना विद भैया? ऑल कंप्लीट पेपर मिलेगी आपको। ठीक है भैया, और ये गाड़ी कौन सी रहेगी आपकी? नेक्स्ट ये सीएनजी हुंडई में, की क्या नाम है, सेंट्रो चलो बोल दो दोबारा से,
होंडाई की सेंट्रो होने वाली है। ठीक है भैया, पेट्रोल प्लस सीएनजी की गाड़ी है, 2010 का मॉडल है, पूरी वेल मेंटेन कंडीशन में गाड़ी है। प्राइस की बात करें तो मात्र आपको 1,45,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी। बाकी आप गाड़ी बुक कर लीजिए पहले, बाकी रेट वेट तो जो भी होगा पूरा मान सम्मान रखेंगे, जो कि आज के डिमांड के हिसाब से काफी अच्छा प्राइस दे रहे हो आप। बहुत ही बढ़िया प्राइस है, अगर दिल्ली एनसीआर में कंपेयर करें तो काफी चीपेस्ट इनके प्राइसेस रहेंगे। सो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इनको कॉल करके अपनी गाड़ी बुक करें। तो भैया इसके बाद कौन सी गाड़ी आ रही है आपकी? एक शेवलेट की ईवा होने वाली है। ठीक है सर, 2009 का मॉडल है, 6 महीने की रजिस्ट्रेशन है, प्योर पेट्रोल की गाड़ी है। गाड़ी में सिंगल रुपए का भी कोई काम खर्चा नहीं है जी। छोटा काम बता देता हूँ बस आपको, ये इस जो ये दिख रहा है ना ग्लास, ये थोड़ा ब्रेक हो रखा है, ये आप चेंज करो। उसका भी पता नहीं लग रहा ना जैसा ही है वो, माइनर सा ही है एक, पर फिर भी भैया जो भी मेन बात ये है, आप ये देखिए भैया बता रहे हैं जो भी इसमें दिक्कत है। तो भैया प्राइस की बात करें तो मात्र 90,000 में आपको ये गाड़ी, 2009 का मॉडल, वो भी 6 महीने की रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। आपको इससे सस्ती गाड़ी पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल सकती है जी। भैया कितने की? मात्र 90,000 रुपये। ठीक है भैया, और इसके बाद कौन सी गाड़ी आ रही है? अगली गाड़ी जो हमारे होने वाली है मारुति सुजुकी की ए स्टार होने वाली है। ठीक है, प्योर पेट्रोल की गाड़ी है, 2009 का मॉडल है, लास्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन है। प्राइस की बात करें तो मात्र 1,60,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आइए जो भी होगा थोड़ा बहुत पूरा मान सम्मान रखेंगे। गाड़ी में 1 रुपए का भी कोई काम खर्चा नहीं मिलेगा, टायर वायर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है भैया, और इसके बाद ये कौन सी गाड़ी रहेगी? शेवलेट की बीट होने वाली है, 2010 का मॉडल है, प्योर पेट्रोल की गाड़ी है, पूरी वेल परफॉर्मेंस और कलर भी काफी प्यारा रहेगा, बहुत ही शानदार है। आपको अंदर से इंटीरियर भी काफी अच्छा आपको मिल जाएगा प्लस। हाँ जी, गाड़ी में 1 रुपए का भी कोई काम खर्चा नहीं होगा आपका। ठीक, प्राइस की बात करें तो मात्र आपको 1,50,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी। बाकी आप आइए जो भी होगा आपका पूरा मान सम्मान रखेंगे। रेट वेट की आप चिंता मत कीजिएगा कि आप यहाँ पे नहीं आओगे, आपको हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और क्योंकि स्टॉक इनके पास काफ़ी भरपूर रहता है हर टाइम, सो एक वीडियो में सारा स्टॉक नहीं कवर कर पाते, अगला पार्ट जल्दी लेके आएंगे इनके पास। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अमेजिंग वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, तब तक के लिए बाय।